हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आप लोग अभी नया नया कक्षा 3 से 4 में आए हैं तो आपके लिए कुछ बेसिक बातें जाननी जरूरी है। तो आपके वर्कशीट में आज वही बातें दी गई हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वर्कशीट शुरू करूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप आए इस जगह पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे और देखते हैं कि वर्कशीट में अब हमें क्या जानना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो मन में कई वाक्य अपने आप बन जाते हैं। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हम जब भी कोई सामान देखते हैं तो उसके बारे में कुछ बातें बन जाती है ना। आम देखते हैं तो मन में आता है कि खा लूं, या फिर कोई टॉफी देखते हैं तो मन में आता है कि काश ही मेरे पास होती, और अगर कोई खिलौना देखते हैं तो उसे लेने का मन करता है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो उस वस्तु से संबंधित हमारे मन में बन जाते हैं। यहाँ भी प्रश्न एक जो दिया गया है, चित्र को देखकर संकेत पेटी में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ संकेत पेटी में देखिए शब्द दिए गए हैं, जैसे पेड़, आकाश, घर, पैर, घास, मछली, पुष्प, सुहावना, खेल आदि। अब इसके बाद इस चित्र को देखना है और उसमें से संकेत पेटी से इसमें से शब्दों को लेकर के यहाँ आपको पुट करना है। तो जैसे कि यहाँ देखिए बगीचे में पुष्प खिले हैं, ये पुष्प है, फूल है, और यहाँ पुष्प दिया हुआ है तो यह संकेत पेटी से लिया गया शब्द है। उसी तरह से थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे हैं? बिल्ली और कुत्ता खेल रहे हैं। हम इस शब्द को लेंगे और यहाँ लिखेंगे बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं, हो गया। उसके बाद है बत्तख पानी में क्या कर रही है। यहाँ देखिए यहाँ बत्तख है, ये पानी में क्या कर रही है, तैर रही है, तो संकेत पेटी में ये शब्द दिया हुआ है तो आप यहाँ लिखिए कि बत्तख पानी में तैर रही है। उसके बाद है पक्षी उड़ रहे हैं, तो कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी, आकाश में उड़ रहे हैं। ये देखिए ये पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, और आकाश संकेत पेटी में है तो आप यहाँ भरेंगे आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद है सुबह का दृश्य बहुत कैसा है, सुहावना है। देखिए सूरज निकला हुआ है, आकाश साफ है, पक्षी उड़ रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, तो सुबह का दृश्य क्या है, सुहावना है। तो यहाँ लिखेंगे सुबह का दृश्य सुहावना है, जरा थोड़ा कम है इसलिए यहाँ सुहावना है, हो गया। अब प्रश्न दो है, इसको लिखे प्रश्न दो है, यह जंगल का चित्र, यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह जंगल का चित्र है। चित्र में बहुत से जानवर दिखाई दे रहे हैं, आइए चित्र देखकर प्रत्येक जानवर के बारे में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हाथी हरी घास, पत्ते, फल, झाड़ियां आदि खाता है। उसके बाद शेर है, तो शेर क्या है, तो शेर जंगल का राजा होता है, आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखिए शेर, शेर के बारे में लिखिए कि शेर जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा होता है, हो गया एक पंक्ति। उसके बाद देखिए सांप, देखिए सांप, तो सांप क्या है, सांप के बारे में लिखिए सांप जहरीला होता है। सांप कैसा होता है, सांप जहरीला होता है। नेक्स्ट है जिराफ दिख रहा है, तो जिराफ के बारे में लिखिए, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, आप लिख सकते हो जिराफ की गर्दन लंबी
होती है। हो गया, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न तीन देखते हैं। प्रश्न तीन में है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में से गर्मी के मौसम से संबंधित चीजें ढूंढकर उनसे नए वाक्य बनाइए। आप गर्मी के मौसम से संबंधित एक चित्र भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ आम है तो आम फलों का राजा है, और इसमें देखिए तो यहाँ शरबत है तो आप लिख सकते हैं शरबत मीठा होता है, शरबत शरबत मीठी है। उसके बाद रस, यहां देखिए रस है, गन्ने का रस, आप यहां रस लिख सकते हैं, गन्ने का रस अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हो गया, और उसके बाद देखिए तो यहां है पसीना, है ना, गर्मी में पसीना, आप यहां लिख सकते हो गर्मी में पसीना आता है, पसीना आता है। उसके बाद यहां देखो तो यहां है घड़ा, तो गर्मी में घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, तो आप लिख दो घड़ा, घड़ा बड़ा है, ये भी हो सकता है, घड़ा बड़ा है, बहुत आसान सा वाक्य है यह। हो गया ना, तो इस तरह से हमने वाक्य बनाया। अब कह रहा है कि कोई चित्र बनाइए, कोई चित्र बनाइए, तो आप यहां पर एक घड़े का चित्र बना सकते हो। हो गया, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पार्क के दृश्य पर कुछ वाक्य लिखने तथा उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित, जैसे कि पार्क में क्या होता है, पार्क में कुछ फूल होते हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य होता है, बैठने की जगह होती है, घूमने की जगह होती है, तो इस तरह से पार्क के दृश्य के आधार पर उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अंत में कोविड 19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है, हिंदी की वर्कशीट थी। इसी तरह आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर आती रहेगी, आप वहां साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।